नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समय झारखंड के विभिन्न जिलों का मौसम बदल रहा, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल की शुरुआत के साथ झारखंड में बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। तो अगर आप भी जो है ना लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड के किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के किस जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, शनिवार को मौसम में बदलाव आया जिसका असर शनिवार रविवार को देखने को मिला। मौसम विभाग की मान तो मार्च के अंत में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदला है। शनिवार की देर रात से झारखंड के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बरसात देखने को मिली। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में बरसात हुई है और यहां पर दोस्तों आज रात को भी मौसम बदलेगा। और बताया जा रहा है कि रांची, गुमला, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम के साथ वज्रपात की आशंका भी जताई जा रही है। झारखंड के कई जिलों में तात्कालिक अलर्ट है। इसके अनुसार अगले कुछ घंटों में यहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और मौसम विभाग की मान तो तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी और स्पीड जो है ना 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। यहां पर गढ़वा, पलामू, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची के कुछ भागों पर असर देखने को मिला और यहां पर दोस्तों जो है ना सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की मान तो यहां पर विभिन्न हिस्सों में कल रात से हलचल है, परिवर्तन भी जारी है और बादलों की आवाजाही के साथ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी मौसम बदलेगा। गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा में भी कई इलाकों पर मौसम बदल रहा है और यहां पर तेज हवाओं के साथ परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा रहा है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो कुछ स्थानों पर आंधी के साथ मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सबसे अधिक 24 मिलीमीटर परसाबाद, कोडरमा में दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान 39.6 जमशेदपुर का रहा। सबसे कम तापमान 18.1 लोहरदगा में रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम में बदलाव के साथ मिला जुला मौसम है, उतार चढ़ाव जारी है। 3 से 4 घंटों के दौरान भी मौसम ठंडा रहेगा और रांची समेत गुमला, खूंटी, लातेहार और इसी के साथ दोस्तों आसपास के इलाकों का भी मौसम बदल रहा है। वहीं दोस्तों पूरे एक सप्ताह तक बादलों की आवाजाही अधिक से अधिक रहेगी। उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों पर 236-237 के करीब अधिकतम तापमान रहने के आसार है और तापमान में भी इजाफा देखने को धीरे धीरे मिलेगा। वहीं रांची समेत आसपास के इलाकों पर दोस्तों जो है ना मार्च के एंडिंग में कई जगहों पर बूंदाबूंदी के साथ हो रही है और अनेक इलाकों पर दोस्तों जो है ना मौसम विभाग की मान तो रांची, गुमला, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम में बरसात के साथ मौसम में बदलाव के साथ हुई है। आज रात को भी कई जगहों पर हलचल देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों शनिवार रात से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया था। 31 मार्च तक पूरे मौसम का मिजाज बदलते रहा। ठंड के समय बारिश होने से झारखंड के ज़्यादा लोग परेशान थे, लेकिन अब गर्मी के मौसम में आ गया है और तापमान 40 के करीब पहुंच गया है। ये लोग चाहते हैं कि बरसात हो और बारिश होने से कुछ लोगों को राहत मिले तापमान से, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा मार्च में शुरुआत में कितनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी। फरवरी को भी उस समय बरसात होने से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लोग दोस्तों जो है ना धुजनी छूट गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया, ऐसे में लोग चाहते हैं कि बरसात हो लेकिन हो नहीं रही है। वही दोस्तों कई कई जगहों पर तो जो है ना यहाँ पर बरसात होने से कई किसानों की दोस्तों जो है फसलें भी खराब होते हुए नजर आई है और देश के विभिन्न राज्यों का मौसम बदला है। शनिवार को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा जिलों में बादल के साथ बरसात हुई है। वही जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा समेत मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखने को मिला। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों का भी मौसम बदल रहा है। उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप किस जिले, गांव या शहर में रहते हैं पूरे झारखंड के और आपके यहाँ पर मौसम में बदलाव आया कि नहीं, परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। 26 रात के समय दिन में 35-36 के करीब तापमान रहेगा। पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम ठंडा सोना है। खूंटी की बात करें तो खूंटी में जो है रात के समय 22-23, दिन में 33 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा। यहां पर जामताड़ा में 24-25-26 रात के समय दिन में 35-36, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और मौसम मिला जुला रहेगा। तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव कल रात से अधिक देखने को मिल रहा है। साथ में यहां पर मंगलवार के आसपास आप देख सकते हैं दोस्तों गर्मी के तीखे तेवर के साथ जो है मौसम बदलते हुए नजर आ सकता है। साथ में बादल भी हट जाएंगे यहां पर मंगलवार बुधवार से। और यहां पर हजारीबाग में 23-24 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान रहेगा। पूरे 7 दिन बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। उतार चढ़ाव जारी, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के साथ बादलों की आवाजाही के साथ बदलाव होगा। यहां पर गुमला की बात करें तो 21-22 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। पूरे 7 दिन मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहने के साथ अधिक से अधिक हलचल होते हुए नजर आ सकते हैं और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होने के आसार भी अधिक से अधिक जताए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना गोड्डा की बात करें तो 25-26 रात के समय तो दिन के समय 35-36 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है।
यहाँ पर गिरिडीह में 24-25-26 रात के समय तो दिन के समय 36 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम मिला जुला और बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कुछ कुछ इलाकों पर और भी ज्यादा हलचल और उतार चढ़ाव जारी है और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। बादल भी छाए, उतार चढ़ाव भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ में मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर जो है गढ़वा में 24-25 रात के समय दिन में 36-37 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव होने के आसार भी अधिक से अधिक जगहों पर जताए जा रहे हैं। तो कुछ कुछ इलाकों पर और भी ज्यादा मौसम ठंडा और सोना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में 26-27 रात के समय दिन में 38 के आसपास तापमान चला गया है और यहाँ पर अब गर्मी के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर इलाकों पर गर्माहट शुरू हो गई है और बादलों की वजह के साथ गर्मी के तीखे तेवर के साथ मौसम में बदलाव और परिवर्तन जारी है। आप किस जिले गाँव शहर में रहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना। और यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे जो ना दुमका का मौसम बदल रहा है, उतार चढ़ाव जारी, 24-25-26 रात के समय दिन में 36-37-38 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल सकता है और बादलों क्या के साथ बदलाव होने के आसार भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे धनबाद में 24-25-26 रात के समय दिन में 36-37 बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियां जारी है, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव भी जरूर होगा। इसी के साथ देवगढ़ में 25-26 रात के समय दिन में 36 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला और परिवर्तन होगा और कुछ कुछ जगहों पर और भी ज्यादा ठंडा सोना मौसम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे बोकारो में 25-26-27 रात के समय दिन में 36 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल सकता है और कुछ कुछ इलाकों पर और भी ज्यादा मौसम साफ सोना रहेगा। चतरा में 24-25 रात के समय दिन में 35-36 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो कई इलाकों पर बादलों की वजह के साथ और भी ज्यादा मौसम ठंडा और सोना रहने के आसार है। यहाँ पर सिमडेगा में 24-25-26 रात के समय दिन में 36-37 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला रहेगा और यहाँ पर भी परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर जो ना पूरे के पूरे दोस्तों जो ना खरसावां का मौसम बदल रहा है, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के आसार भी जताए जा रहे हैं और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए नजर आएगा। तो कुछ जगहों पर अधिक से अधिक मौसम ठंडा और सोना देखने को मिलेगा। सरायकेला में बूंदाबूंदी और रात के समय 26-27 दिन में 38 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिल सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव होने के आसार भी विभिन्न हिस्सों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि साहिबगंज में 24-25 रात के समय तो दिन में 33-34 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव भी जरूर होगा। वही दोस्तों राजधानी रांची में जो ना 22-23 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है, मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों रामगढ़ में 23-24 रात के समय दिन में 34-35 बादल छाए रहेंगे, पलामू में 24-25 रात के समय तो दिन में 36-37 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के आसार है। पाकुड़ की बात करें तो 24-25 रात के समय दिन में 35-36 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिलेगा। तो ये था पूरे झारखंड का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप झारखंड के किस जिले गांव शहर में रहते कमेंट करके जरूर बताना।